दादा उबाले हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबाले साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल ऐसा है कि अपने शरीर के कौन कौन से पार्ट पर ओरल सर्जरी की जाती है और इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं, इसके बारे में बताइए मैडम। ठीक, कहाँ पे ओरल सर्जरी? उनका सवाल ये था कि बॉडी के किस किस पार्ट पे ओरल सर्जरी की जाती है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? किस पार्ट में? मैं समझूं मतलब उनका वो शायद सवाल ये करना चाह रहे थे कि मुंह के किस किस पार्ट में जो ओरल कैंसर ऑफ ओरल मतलब कैंसर सर्जरी मुंह के कौन से हिस्से में? ओके, ओरल सर्जन जो है वो पूरा आपका ये जो मैग्जिला है ऊपर का जबड़ा है और नीचे का जबड़ा के एरिया में और नेक में तो जाना ही पड़ता है। कैंसर सर्जरी ऐसी है कि इसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो तो डिसेक्ट करने ही पड़ते हैं और वही मैं आपको समझाने वाली थी ओवर दिस कैंसर टॉपिक जब आया कि कैंसर कभी भी सिंगल पर्सन का काम नहीं होता है, इसमें हमेशा एक टीम होती है। टीम में प्लास्टिक सर्जन भी होते हैं और हम लोग रिसेक्शन करके ओरल सर्जन भी रिकंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेते हैं। मतलब जब आपने इतना हिस्सा काट दिया है कैंसर वाला तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो, क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि जितना ट्यूमर दिखे उससे 2 सेंटीमीटर आगे जाके आपको कट मारने पड़ते हैं टू मेक इट सेफ कि सही में सारा ट्यूमर बाहर आया है कि नहीं। तो 2 सेंटीमीटर आगे जाके आप इतना सारा जब एरिया काटोगे तो नेचुरली बहुत बड़ा डिफेक्ट रह जाता है फेस पे। सो नेचुरली सर्जन जो है हम ओरल सर्जन जो है इतने हिस्से पे पूरा नेक तक डिसेक्शन करते हैं प्लस उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी की जाती है। कई बार हम लोग यहाँ से टिश्यू लेके छाती पे से टिश्यू लेके या लेग पे से टिश्यू लेके उसको यहाँ ग्राफ्टिंग करके उसको बनाते हैं तो उतनी तक की ट्रेनिंग होती है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक आदमी को फिर इतना 7-8 घंटे की सर्जरी करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, सिंगल हैंडेडली तो करना पड़े तो करते हैं लेकिन टीम रहे तो ज़्यादा मतलब 3 घंटे के बाद दूसरा टीम टेक ओवर करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कई बार सर्जन जो हैं वो सिर्फ रिसेक्शन करते हैं तो प्लास्टिक सर्जन आके अपना रिकंस्ट्रक्शन करता है। सो अगर इसने 2-2.5 घंटे काम किया है तो उसने भी 2-2.5 घंटे उसको बनाने में काम करना पड़ता है। सो यूजुअली कैंसर इज अ टीम वर्क।